चलो। हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कुंडम विकास खंड में बच्चों की स्थिति स्वच्छ पानी न होने के कारण काफी मात्रा में आए दिन बच्चे बीमार पड़ते हैं और स्कूल की ओर से बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी जाती। आदिवासी कन्या आश्रम ग्राम विशनपुरा खंधिया में कक्षा पहली से पांचवी तक के 50 बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं, जिसमें मेरी बेटी भी अध्ययन कर रही है। और जब से वह इस आश्रम में आई है तभी से वह खुजली रोग एवं बुखार से ग्रसित हो गई है। इस वजह से मैंने जब आश्रम में जाकर देखा तो पानी को दूषित होना पाया। फिर मैंने पालक संघ की बैठक में स्वच्छता एवं पानी के मुद्दे को लेकर बात की, परंतु किसी ने भी इन विषयों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे सामुदायिक पत्रकार बनने का अवसर मिला और मेरे द्वारा यह वीडियो बनाया गया। मेरे फोड़ा शरीर खुजलाती थी। इलाज के लिए मैडम डॉक्टर को नहीं बुलाया? नहीं बुलवाया इलाज के लिए मैडम जी। तो हमारे पापा आए थी तो दवाई करवा के ले गई थी। फिर यहाँ पे नंतु मेरी भर नहीं सब लड़कियों के हैं। लैट्रिन बाथरूम में बहुत गंदगी रहती है, बीमारी फैलते हैं और लड़कियों बीमार पड़ते हैं और फोड़ा फूसी होते हैं हाथ पैरों में। भाई पानी की समस्या है, बच्चे को पानी के लिए व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाता पीने के लिए। या तो नया हैंडपम्प की मांग करें और सबके सामने बात रखा जाए। बहुत पहले से ये चर्चा हो रही है। मैं चाहते हूँ कि यहाँ पे टंकियों सब साफ हो और नए नल खुदवाए और यहाँ पे जल्दी लाइट आए और सब लड़के स्वस्थ रहें। मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों को सरकार पीने एवं नहाने के शुद्ध पानी की व्यवस्था करे। और मैं वीडियो देखने वाले श्रोताओं से अपील करती हूँ कि इस समस्या का समाधान हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कुंडम SDO खरे जी नंबर है 98-93-35-05-92। कृपया इस पते पर अपनी प्रतिक्रिया भेजकर हमारी मदद करें। मैं सरोज परस्ते, ग्राम दरगढ़, विकास खंड कुंडम, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।